अभी जिस ट्रिक का हम लोगों ने बात किया था वो ट्रिक अभी बताएंगे, कढ़ाई उठा के उतारा गैस कम कर दो, गैस कम कर दो ठीक है। और अभी इसको हम प्याज को कूचेंगे, मतलब बिना मिक्सी का यूज़ किया हुआ कैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं कढ़ाई चिकन, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप जो बैचलर स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास मिक्सी नहीं होता है वो कैसे बना पाएंगे कढ़ाई चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये हम थोड़ी सी वीडियो दिखा रहे हैं, आप पूरी तरीके से इसको दो मिनट लगा के इसको कर देंगे, उसके बाद फिर चिकन इसमें डालेंगे। अभी हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पूछ दिया है, उसके बाद फिर इसे कैसे चढ़ाए चढ़ा दिए। जब तक इसमें तेल रिलीज ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है, अभी अच्छी तरीके से फ्राई करना है और इसमें पानी वानी पीना भी है, जैसे दिखने लगे तब तक फ्राई कीजिए, उसके बाद में डालिए चिकन डालते हैं। जैसे देख रहे हैं तरीके से चिकन डाल देना है, उसके बाद धीमी आती है छोड़ देना है, छोड़ने के बाद चिकन डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा, जिससे कि इसको गलन चिकन जैसे गलाने में आसानी हो, और गलाने के पानी डालेंगे और जब बन जाए तो इसमें आप स्वाद अनुसार अपने नमक डाल सकते हैं, टेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले भी नमक डाला था और दोबारा हम टेस्ट करके अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। ठीक है, पानी डाल देंगे और चला के एक बार ढक लेंगे। ध्यान रखें मसाला पूरी तरीके से सारे जितने भी पीसेस हैं सब मिल जाएंगे तो चिकन में स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। बस मिर्चा पाउडर डाला, मिर्चा पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे।